हाल ही में कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया है कि क्रशर जो है, माइनिंग जो है, उसको बंद किया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के अंदर भी ये निर्णय पूर्ण रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू ना करते हुए केवल कुछ ही जगह के ऊपर इसको लागू किया गया है। ये न्याय संगत नहीं है। और आज मैं अखबारों में देख रहा था, समाचार पत्रों में देख रहा था, उन सुर्खियों में ये बोला गया है कि कुछ विधायक जो हैं उनके भी क्रशर बंद हुए हैं। लेकिन मैं इस चैनलों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके क्रशर चल रहे हैं। आज भी बहुत से ऐसे जिले हैं जिन जिलों के अंदर माइनिंग जो है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं की गई है। क्या कारण है कि सोलन के अंदर माइनिंग बंद नहीं हुई? क्या कारण है कि ऊना के अंदर माइनिंग बंद नहीं हुई? ये केवल जिस समय माइनिंग के विषय पे बात आती है, आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये जो निर्णय लिया है, इससे सिद्ध कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान माइनिंग के कारण हुआ। जबकि आज से कुछ ही दिन पहले इनके मंत्री बोल रहे थे माइनिंग के कारण नुकसान हुआ है, और एक मंत्री इनके जो बोल रहे थे माइनिंग के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। इनके CPS बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा माइनिंग हो गई है जिसके कारण से इस बार सरसा नदी के अंदर पानी बहुत आया है। इसलिए अलग अलग मंत्री अलग अलग प्रकार के बयान। लेकिन मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया है? क्यों ना सारे की सारी माइनिंग को बंद किया जाए? पूरी माइनिंग को बंद ना करने के पीछे क्या तर्क है? आज क्या कारण है कि लोग कुछ लोगों के नाम लेके ये बोल रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों के, अपने भाइयों के, अपने परिवार के लोगों ने जो कि कांग्रेस के सक्रिय राजनीति के अंदर है, उनके क्रशर चल रहे हैं और बहुत से लोगों के क्रशर जो है वो बंद बंद हुए हैं। मैं कांग्रेस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस निर्णय के ऊपर दोबारा से सोचे और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से माइनिंग को जो है वो बंद किया जाए, तभी जाके हिमाचल प्रदेश का भला हो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।